हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है आप लोगों के। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वन सिविक्स का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मजेदार चैप्टर है सिविक्स का भाई, ये मजेदार चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा और बहुत ही इजी चैप्टर भी बोलूंगा, बट समझने को बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ इस चैप्टर का समझ में आ जाने वाला है इन अ सिंगल वीडियो। एक सिंगल वीडियो में बेस्ट नोट्स के थ्रू हम पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, सो यू आर इन द राइट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बात करते हैं भाई, आज हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। देखो सिविक्स ना क्या है ना, सिविक्स एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिविक्स में आपको बहुत डीप जाना होता है। सिविक्स में बस आपको जो चीज़ें समझनी होती है ना, वो अपने लाइफ टाइम के लिए समझनी होती है। क्यों? क्योंकि यार यही चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, ये वो एक्चुअल सब्जेक्ट है जिससे भाई आपका देश चल रहा है। इस सब्जेक्ट से ही एक्चुअली पूरा देश रन करता है। हम किसके अंडर हम रहे हैं? हम गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो इसीलिए चैप्टर बन जाता है थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना मेरा काम है, तो टेंशन लेने का नहीं। बात करेंगे भाई टॉपिक्स की। तो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, सबसे पहले क्या जरूरत है भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन की। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी समझेंगे, उससे पहले ये समझेंगे कि जरूरत क्या पड़ गई। आफ्टर दैट की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है। देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक किताब है, आसान भाषा में बोले एक किताब है जिसमें रूल्स दिए हुए हैं पूरे देश के लिए, सारे लोगों के लिए, कि भाई उन्हें ये रूल्स मानने, जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट्स हैं, पुलिस है। अब आप समझ लो तो क्या है, एक किताब है। अब इसकी क्या की फीचर्स हैं स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हर देश के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन हम वेरियस की फीचर्स की बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स, विच इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपको आगे भी अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत पड़ती है। अगर हमें ये समझ में आएगा तब हमें वैल्यू समझ में आएगी एक्चुअली कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है। 1946 में हमारा देश आजाद हुआ है ना। अब सिंपल सी बात सोचो, देश एक गुलामी के बाद आजाद हुआ था, कई 100 साल से ज्यादा की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ है, तो किन रूल्स पे वो रन करेगा। अब इतने सालों से तो वहां पे राजा हुआ करते थे, पहले राजा अपने छोटे छोटे एरियाज को संभालते थे, बट अब पूरे 150-200 साल की गुलामी के बाद देश हुआ है आजाद, बट उसको कुछ रूल्स तो चाहिए ना, कुछ तो सिस्टम चाहिए, कुछ तो गवर्नमेंट चाहिए, तो वो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉसिबल। अब समझते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। अब आप मैं हम सब इस देश में जितने भी लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि यार हम एक ऐसे देश में रहें जहां कुछ रूल्स को माना जाए, जहां कुछ इक्वालिटी हो, जहां हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हो, जहां कुछ बराबर वाली फीलिंग हो, राइट? एक देश वाली फीलिंग आती है जब आप कुछ एक सर्टेन रूल्स के अंडर में होते हो, है ना। अगर कोई रूल्स नहीं है तो आप फील करोगे मैं तो जंगल में रहता हूँ, यहाँ कोई रूल नहीं, कोई भी आता है आपसे ताकतवर चाड़ा मार के आपसे अपॉर्चुनिटी ले लेता है, आप नहीं चाहोगे ना ऐसी जगह पर रहना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स देता है जिसको एक देश के सारे नागरिक मानते हैं, और उस वजह से मानते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट इस तरीके से रन करे। अंडरस्टैंड, ये पहला पॉइंट था, बहुत सिंपल सा, कि हर नागरिक चाहता है कि वो एक सेट ऑफ रूल्स के अंडर में रहे, तभी तो वो गवर्न, कहा जाएगा कि गवर्न्ड है, तभी तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल नेपाल की बात करें, तो देखो भाई किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का है, यानी कि ऐसा नहीं होता हर जगह डेमोक्रेसी है। हमारे देश में डेमोक्रेसी आपने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, कहीं कहीं पे मोनार्क है। मोनार्क क्या होता है, एक सिंगल राजा। जैसे आप बात करो इंग्लैंड की, तो वहाँ आज तक मोनार्क चलता है, वहाँ पे आज भी किंग रूल है ना। ऑफिशियली तो वो अब डेमोक्रेसी सा हो गया है, बट स्टिल किंग रूल तो किंग रूल होता है। सिमिलरली नेपाल में बड़ा घपला हुआ, नेपाल क्या था, पहले तो इंडिया का हिस्सा था, बट जब इंडिया से वो अलग हुआ, सो फर्स्ट इट वॉज अ डेमोक्रेसी, बट देन उन्हें फील हुआ 2003-04 में, नहीं यार हम तो भाई राजा बनाते हैं, राजा बना दिया, फिर वो उससे भी दिक्कत हो गई, तो फिर वो वापस से डेमोक्रेसी पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अलग अलग। ये सब हमें कैसे पता चलता है कि कोई देश डेमोक्रेसी है या वो, आप बोलोगे भैया न्यूज़ देख के, अरे जी ऐसे नहीं, न्यूज़ को कहाँ से पता चलता है, तो एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि इस देश के अंदर किस प्रकार की जो सरकार है वो बन रही है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। हर पॉलिटिकल लीडर्स के पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं, है ना।
अब वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इस चीज को सेफ गार्ड कौन करता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं रिटन रूल्स, जिसको मानना देश के एवरी सिंगल नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई नॉर्मल नेता हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आम नागरिक हो, वो रूल्स सबके लिए सेम है। तो इससे आप सेफ ये चीज फील करोगे कि हाँ यार, जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर का कभी ऐसा नहीं करेंगे गलत फायदा उठा के किसी भी शहर को एकदम मरवा दिया है, मतलब एग्जाम्पल के लिए, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। इन द एग्जाम्पल देखो, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनी लॉज कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये हमें फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है। अभी हम आगे टॉपिक है सो समझेंगे क्या होता है फंडामेंटल राइट्स। इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। डेमोक्रेसी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, हम समझते हैं क्या होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स से। कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कि लोगों के लिए ही है पूरी सरकार, लोगों से ही बनती है, लोगों से ही चलती है और लोगों के लिए ही चलती है ना। अब इन लोगों को ही अगर हम सही मात्रा में उनके हक नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये भी इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि लोगों में ऐसा ना हो कि कहीं कोई पावरफुल ग्रुप बन जाए और वो आके सप्रेस करे लोगों को, दूसरे टाइप के लोगों को सप्रेस करने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट वुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू फील। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज से भी रोकता है कि कभी ऐसा ना हो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत डिसीजन ले लें जो पूरे देश के लिए गड़बड़ हो। अब होता क्या है, अब हमारा काफी बड़ा देश है और काफी डाइवर्स देश है, अलग अलग डाइवर्स देश में अलग अलग डाइवर्स प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब नॉर्थ की प्रॉब्लम्स अलग हैं, साउथ की अलग हैं, ईस्ट की अलग हैं। कभी कभी क्या होगा, मानो एग्जाम्पल के लिए ईस्ट के लोग थे, उन्हें एकदम से ये चीज फील हुई कि यार हमारे साथ ना हमारा जो लीडर है ना वो अच्छा नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरे देश का क्या होगा, उन्होंने सोचा बस हमारा जो लीडर है ना वो अच्छा नहीं है, तो एक काम करते हैं हम सब मिलके पूरे इंडिया को मोनार्क बना देते हैं, मतलब पूरे इंडिया को ही लीडर मुक्त कर देते हैं, एक लीडर चुन लेंगे हम, राजा चुन लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि पूरे देश का क्या हाल होगा, उन्होंने सिर्फ अपने छोटे लेवल पर सोचा। बट ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स बना रखे हैं जिसको कोई भी ऐसे आम नागरिक, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, ऐसे नॉर्मली जाके नहीं तोड़ सकता। ऐसे रातों रात जाके आप सरकार बदल के नहीं कर सकते कि चलो आज से भाई मैं अपने लीडर की नहीं मानता, ऐसा नहीं होता। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में बैठे रहोगे 10 दिन। तो समझ गए, तो ये भी काम है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसीलिए नीड है। सो दिस वॉज इट। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन भी आएगा। नाउ अब बात करेंगे भाई की फीचर्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली। हम सारी एनसीईआरटीज में अभी 9 आपका 8th तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे होंगे। 9th से हम वर्ल्ड की तरफ मूव करेंगे, राइट? तो आज हम बात करेंगे भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से की फीचर्स हैं, समझना है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। सो The long experience of oppressive rule under the colonial state convinced Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and allowed to participate in the government. अब जब इंडिया 150 साल 200 साल की गुलामी के बाद निकला, तो उन्होंने चूज करा, वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने चूज करा कि भाई डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बराबर हक देता है, बराबर राइट्स देता है, उसको मौका देता है अपने लीडर को चुनने का, इसीलिए चूज करी गई डेमोक्रेसी को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946। थोड़ी सी बैक स्टोरी भी पढ़ते हैं क्योंकि भाई सिविक्स पढ़ रहे हैं तो मजा तो आएगा नहीं, कहानी नहीं होगी तो। 1934 में सबसे पहले हमारा कमीशन बना था, है ना, सबसे पहली कमीशन बनी थी गांधी जी के अंडर में, जिसमें कहा गया था कि भाई हमें अपना स्टेट चाहिए, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। व्हाट इज का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि मिल के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। इसमें 389 लोगों की टोटल सीट्स उन्होंने दी थी। 1934 में बोला कि भाई हम एक असेंबली बनाना चाहते हैं जिसमें 389 लोग हमें चाहिए, हम उन्हें चूज करेंगे और मिलकर हम अपने देश का संविधान बनाएंगे, जिसको अंग्रेजों ने नकार दिया। तो वो रूल आके चला गया। अब हुआ क्या, 1942 में होती है वर्ल्ड वॉर टू, जहां पे बेचारे ब्रिटिश आ गए परेशान। ब्रिटिश बोले यार इस समय तो हमें इंडियंस की जरूरत है, तो क्या करें क्या करें, इंडियंस ऐसे तो काम करेंगे नहीं। उन्होंने बोला ठीक है भाई, उन्होंने लीडर्स को बुलाया, गांधी जी को बुलाया, इंडियंस को बुलाया, उन्होंने बोला ओके, आपने 1934 में एक डिमांड करी थी सर, हमने कुछ रीजंस के चलते हमने मना कर दिया, बट अगर अब आप हमारी 1942 में जो वर्ल्ड वॉर टू हो रही है इसमें मदद कर दो, मतलब इसमें आप अपने सैनिक भेजने को रेडी कर दो, क्योंकि गांधी जी नहीं बोलेंगे या फिर और लीडर्स, इंडियन लीडर्स नहीं बोलेंगे, तो कोई भी इंडियन जाके नहीं लड़ेगा अंग्रेजों के लिए, आप हमें हेल्प कर दो, हम आपको बदले में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन दे देंगे।
और ऐसा ही हुआ। तो इसीलिए 1946 में जाके हमें परमिशन मिली अपने देश की क्या बनाने की, अपने देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये वही साल था जिस दिन हमारा देश भी ऑलमोस्ट आज़ाद होने वाला था, जिसके अंदर 389 की परमिशन चाहिए थी बट मिली 300 की। और ये ऐसे मिली कि हर 10 लाख में से एक बंदा रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब अगर आप इस नंबर को 10 लाख से मल्टीप्लाई करो तो देश की पॉपुलेशन आ जानी चाहिए, हर 10 लाख बंदों को एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, अब ये पूरा चला और 1949 तक ये पूरा चलता। 26 जनवरी 1949 वो दिन था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था और फाइनली उन्होंने एनफोर्स करा था 1950 में, एक साल बाद, बट 1949 तक माना जाता है। ठीक है, तो एक इतने साल लगे, जो भी आप काउंट कैलकुलेट कर लो बीच में, इतने साल लगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, उसमें एक एक चीज को डालने में, एक एक चीज का ध्यान रखने में, जिसको आज तक माना जाता है 2023 में। 150 साल होने वाले हमारे, 150 साल से ज्यादा होने वाले हमारी आजादी को। सोचो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946 विच कंप्राइज ऑफ 300 मेंबर्स हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऐसी असेंबली थी जो अक्सर होती थी, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल तक इन्होंने ऐसी मीटिंग्स करी, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल बना। इस कॉन्स्टिट्यूशन की बनती कैसे थी, मीटिंग क्या होती थी, मीटिंग में सब लोगों को ड्यूटीज दी जाती थी कि ठीक है मैं ये लिख के लाऊंगा, तो एक एक साल का टाइम लिया जाता था, उस एक एक साल में सब अपने अपने पॉइंट्स थीसिस लिख लिख के लाते थे, फिर उसे प्रेजेंट करते थे, फिर डिसीजन होता था, वोटिंग होती थी, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना था। भाई बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखी गई, सेवरल कम्युनिटीज़ को, सेवरल राजाओं को, लोगों के कस्टम को, लोगों के बिलीफ को, तब जाके ये रिलीजन ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ऐसा नहीं करा गया कि किसी को बायस छोड़ दिया जाए कि नहीं भाई हमारा तो हिंदू देश है, हिंदू बना देते हैं, मुस्लिम ज़्यादा है, मुस्लिम बना देते हैं, किसी के लिए भी ये नहीं सोचा गया, इक्वालिटी को मेजर माना गया। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे भाई वेरियस की फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो पहला पॉइंट आता है फेडरलिज्म। ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको हमारे देश के प्रियम्बल में मिल जाएंगे। भैया ये प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है। जैसे आप अपने पहले पेज में देखोगे किताब की तो आपको मिलेगा इंडेक्स, इंडेक्स में सारे चैप्टर्स के नाम होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छा जी इस किताब में मुझे ये पढ़ने को मिलेगा। सिमिलरली जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलोगे तो फर्स्ट पेज विल बी द प्रियम्बल, जिसमें सारे एक क्या एक पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ, बहुत फेमस पैराग्राफ है, मे बी आपके स्कूल में याद भी कराया जाता हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, सोलमली रिजॉल्व दैट, ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, तो उसमें पूरा बताया हुआ है कि एक्चुअली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या चाहता है, बहुत कम लाइनों में। अब उसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ समझते हैं। पहला आता है फेडरलिज्म, ये वो फीचर्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है, फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो सरकार है ना मल्टीपल लेवल्स पे वर्क करेगी, ऐसा नहीं होगा एक ही सरकार एक ही लेवल पे काम करेगी, नहीं, 3 लेवल पे काम करती है हमारे देश की सरकार। मेन होता है सेंट्रल लेवल, जिसमें आप बात करो हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली से रूल करती है पूरे देश के लिए, इसमें आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिसमें प्राइमरीली आपका प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उसकी पूरी कैबिनेट। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसके आपके चीफ मिनिस्टर्स आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। एंड देन आती है पंचायती राज, अपने आसपास के लोकल एरिया में आपने सुना होगा ना जिला परिषद, पार्षद, ये होती है आपकी पंचायती राज। ठीक है, तो इसलिए मल्टीपल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है, इसे कहते हैं फेडरलिज्म। आई होप अब आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में आपको कोई भी रूल बनाना है, हटाना है, अमेंड करना है, अपडेट करना है, एक पार्लियामेंट बना है जहां सारे मिनिस्टर्स कैबिनेट आके बैठता है, उनके बीच में आपको जाके अपना प्रेजेंट करना पड़ता है आइडिया। अगर आप कुछ भी देश में बदलाव चाहते हो, अगर वो वहां पास होता है, वहां पे वोटिंग होती है, अगर ज्यादा लोग वोटिंग मेजॉरिटी में आती है तभी हमारे देश में कोई भी बदलाव किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके साथ ये भी इंश्योर करता है कि एवरी सिंगल बंदे को वोटिंग राइट मिले। भाई वोटिंग राइट हमारे देश में हर 18 साल से ऊपर के बंदे को मिल जाता है, किसी को भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, उसको इंडियन, मतलब इंडिया क्या, वर्ल्ड में 18 साल से ऊपर के बंदे को वोटिंग का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। 7th में भी हमने पढ़ा था, इवन 6th में भी आई होप शायद हमने पढ़ा था, याद नहीं, चलो छोड़ो, आ गया ना समझ में, वेरी गुड। अब बात करते हैं थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs ऑफ द स्टेट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब ध्यान से समझना, अब गवर्नमेंट तो चलो हो गई, गवर्नमेंट के लेवल्स भी समझ में आ गए, बट उसके अलावा 3 organs हैं हमारे स्टेट के। क्या बोला मैंने, 3 different organs हैं हमारी गवर्नमेंट के। ये डिफरेंट organs डिफरेंट चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जैसे कि पहला आता है द लेजिस्लेचर, उसके बाद आता है द एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आता है द जुडिशरी। अब इनके नाम से ही इनके काम है, ध्यान से समझो। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जितने भी हमारे MPs हैं,
एमएलए हैं, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सारे टोटल का माइंड कहलाते हैं, ये हमारा लेजिस्लेचर है ना। इसे जब ये साथ में बैठते हैं तो इसे कहते हैं लेजिस्लेचर असेंबली। तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेचर। इनका क्या काम है? इनका काम है सोच विचार करना, हमारे देश के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सोचनी है, डिजाइन करनी है, पॉलिसी बनानी है, वो लेजिस्लेचर करेगा। फिर आते थे एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जो हमारे देश में ये लॉज को इंप्लीमेंट कराते हैं, जिसमें टॉप ऑर्गन आता है आईएएस ऑफिसर्स, है ना। अब कोई भी रूल पास होना है सबसे पहले आईएएस के पास जाएगा। अब वो क्या करेगा, अपने अंडर में जितने भी लोग हैं, पुलिस है, पीडब्ल्यूडी है, जितनी भी गवर्नमेंट की चीजें हैं, उन सबको ऑर्डर्स पास करेगा। सो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ये हमारे देश की एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद आती है द जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट, जुडिशरी मतलब जो ये जज करेगी कि कोई इंसान ने गलत करा है या सही करा है, इंसान के किसी ने भी। तो अगर कोई गलती हो जाती है, द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन इट्स कंट्री, ठीक है। अब ईच ऑर्गन क्या करता है, चेक करता है, एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। अब ये तीनों ही ऑर्गन ऐसे हैं, एक दूसरे पे चेक रखते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव जो जो जितने भी लेजिस्लेचर होते हैं वो ख्याल रखते हैं कि भाई जितने आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं वो उल्टी सीधी हरकत ना करें, आईएएस ऑफिसर ध्यान रखते हैं मिनिस्टर्स कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करें। उसके बाद जुडिशरी कोर्ट जो ध्यान रखते हैं कि भाई मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर कुछ गड़बड़ ना करें, आम आदमी कोई गड़बड़ ना करे, गड़बड़ करे तो कोर्ट है, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव्स एंड व्हाट इज जुडिशरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया ना तो आपको बहुत सिस्टम खराब हो जाएगा सिविक्स का, तो ध्यान से समझ लेना बैक करके। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स तो चलो नीचे और अच्छे से बात करने हैं अभी, बट अब बात करते हैं व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थोड़ा सा मेरे को सिविक्स पसंद है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, बोर कोई बच्चा नहीं होगा, बोर नहीं होगा, बोर हो रहा है, उठ सीधा बैठ, वेरी गुड, ऐसे बैठना है और ऐसे पढ़ना है, कॉपी लेके बैठो, ध्यान से समझो, दो चीजों के बीच में डिफरेंस समझा रहा हूं। उससे पहले एक काम करते हैं, सेक्युलरिज्म जो थोड़ा सा पार्ट था इसको समझ लेते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश जो कि किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, जैसे हमारा देश है। सेक्युलर क्या है, हमारा देश कभी भी कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम नहीं बोलेगी कि चलो भाई हिंदुओं को हम इतना राइट्स देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे या क्रिश्चियंस को नहीं देंगे, ना। जितनी भी पॉलिसीज आएंगी दैट विल ऑल बी फॉर ऑल रिलीजन्स। तो हमारा एक ऐसा देश जो रिलीजन फ्री होता है, मतलब जो हर रिलीजन को सपोर्ट करता है, उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। अब सोचो आप और मैं मिलके हम बना रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आ रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि गाय को नहीं मारना चाहिए, जैसे कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। अब बहुत सारे आ गए और खाना सबको मिलना चाहिए, सबने अपने अपने रूल्स करीब आ गए 100, 200, 300। अब सब बैठे, सबने सोचा यार इनमें से कुछ रूल्स को तो हमें चूज करना पड़ेगा ना, कि ये हमारे मेन है, कि ये तो मिनिमम है, ये तो सबको देने ही देने हैं, बाकी थोड़े से हम कम कर सकते हैं, समझ रहे हो। सो ये डिफरेंस था। तो वो रूल्स इन 200-300 रूल्स में से वो जो दो रूल 6-7 रूल्स आए जो कि कंपलसरी फंडामेंटल बन गए, मतलब बेस एकदम मिनिमम कि हर बंदे को हक है, ये तो यार ये तो मतलब है ही है। जैसे कि अब आपको मैं दो क्वेश्चन दूँ, दो ऑप्शन है, पहला कि भाई कोई भी बंदा पेड़ नहीं काटेगा, पहला, और दूसरा हर बंदे को खाना मिलना कंपलसरी है। इन दोनों में से आप किसको फंडामेंटल राइट कहोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे कि हर बंदे का पेट भरना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। और जो दूसरा, ये बन गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या थे, ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो देश की गवर्नमेंट को बहुत बेहतर बनाने में काम करते हैं, बट ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यानी कि अगर आप इनको तोड़ते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको जेल हो ही जाएगी, कुछ केसेस में हो सकती है। जैसे कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो इन जनरल आपको कोई जेल नहीं होगी, बट अगर आप डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो और उसमें लिखा है ये चीज कि अगर आप पेड़ काटते हो तो यार ये ना देश के अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है कि जेल हो जाएगी, बट ये अगेंस्ट है। तो ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा सेक्शन है जो इंश्योर करता है ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को। तो जितनी भी बची कुछ दिक्कतें थी वो सब इसमें रख दी, बट हाँ इनके लिए सजाएं नहीं बनाई गई। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये नेगेटिव है, अगर आपने एक को भी तोड़ा तुरंत जेल है, तुरंत, मतलब फंडामेंटल राइट्स का ध्यान नहीं रखा गया, किसी भी बंदे ने तोड़ा इनको, वायलेट करा, 100% जेल है आपको, और वो भी बहुत तगड़ी सजा है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए ये नहीं है। आई होप अब आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेजरली फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो देखो, फंडामेंटल दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिटरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ स्टेट। तो एक स्टेट, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है,
वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करे और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे, ये फंडामेंटल राइट्स ख्याल रखते हैं। दीज राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। अब ये राइट ऐसे हैं कि जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है, हर इंसान के पास है ना कि बराबर अधिकार है उसको इक्वली ट्रीट करा जाने का। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा बंदा मुझे अनइक्वली ट्रीट कर रहा है तो उसको जेल हो रही है, बट मिनिस्टर मुझे अनइक्वली ट्रीट कर रहा है तो उसको जेल नहीं हो रही है। ऐसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, तो चाहे वो कोई मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, अगर वो मुझे अनइक्वली ट्रीट करेगा, मैं कोर्ट में जाता हूँ तो कोर्ट सजा देगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, तो अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी के साथ हम चैप्टर समाप्त करेंगे। पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि अगर कोई कोर्ट केस होता है, कोई भी कोर्ट में आता है, किसी को भी कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कितना अमीर है, गरीब है, मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार की नज़र में सर व्यक्ति बराबर है। इसीलिए आपने कहा होगा, कहते कानून अंधा होता है। अब ज़्यादा अंधा हो गया है उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा, बट इन जनरल आप देखोगे तो हमेशा कानून की आंखों पे, मतलब आप देखोगे लॉ पट्टी बंधी होती है ब्लैक कलर की, क्यों, ताकि वो ये ना देख पाए कि मेरे सामने जो खड़ा व्यक्ति है उसकी कितनी पावर है, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना बड़ा आदमी है, इसीलिए आंखों पे पट्टी ये शो करती है ना। तो राइट टू इक्वालिटी इस तरीके से, कोई भी सिटीजन हो हमारे देश का, उसे किसी भी तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ये होता है राइट टू इक्वालिटी, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या, सॉरी। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली, रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस। बहुत बड़ा आर्टिकल है ये राइट टू इक्वल, राइट टू फ्रीडम। देखो भाई, इंसान की फ्रीडम को जस्टिफाई करना कि ये फ्रीडम है और ये नहीं, ये बहुत मुश्किल काम था, बट हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ों को दिया। जैसे कि अगर आप बात करो स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने पे कोई रोक टोक नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट मीडिया बोल दे कि ना ना। जैसे अगर आप बात करें दूसरी कुछ ऐसी कंट्रीज की जहाँ पे आपको पता है मीडिया क्या दिखाएगी, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, समझ रहे हो आप, मीडिया के अपने हाथ में है कि वो क्या दिखाएगी। अब वो पैसे खा के क्या करती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, बट जनरली तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, आप अपने एसोसिएशंस बना सकते हो, अपनी कंपनी बना सकते हो। उसके अलावा राइट टू मूव फ्रीली, आप मूव कर सकते हो, एक शहर दूसरे शहर, तीसरे शहर चौथे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके शिफ्ट हो सकते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाके भी शिफ्ट हो सकते हो, ये भी राइट टू फ्रीडम है। सोचो कोई देश आपको बोलते ना इसी देश में रहना है, बाहर नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं होता ना, आपके पास राइट टू फ्रीडम है, आप जहाँ चाहे रह सकते हो, जैसे चाहे, जैसे में कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसे नहीं कि आप यहाँ रह रहे हो आप किसी अपने छत पे किसी और देश का झंडा लहरा रहे हो, तो वो तो गलत है ना, बट ठीक है, तो लोग इस तरह से दिक्कतें आती हैं। आई होप बट आपको राइट टू फ्रीडम समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट इज राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो एक्सप्लॉयटेशन के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, ट्रैफिकिंग हो गई बच्चों की, लेडीज़ की, ये सब कुछ, रैकेट्स होते हैं, जितने धंधे चलते हैं गलत ड्रग्स के, ये सारी चीज़ें, फोर्स लेबर, बच्चों ज़बरदस्ती काम कराने, 14 साल से कम के बच्चों को काम कराने, ये सब अगेंस्ट है गवर्नमेंट की नज़र में। ठीक है, होता है हमारे देश में इनमें से कुछ चीज़ें, बट अब ठीक है, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें, तो भाई देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। अब देखो भाई, हर कम्युनिटी को अपना कल्चर बड़ा प्यारा होता है। जैसे हिंदुइज्म को देखोगे तो वो अपने कल्चर को बड़ा मानते हैं, मतलब वो अपने सारे भगवान, पूजा, मंदिर स्थल, ये सब बहुत इज्जत करते हैं। सिमिलरली मुस्लिम हैं, वो भी अपनी जगह की बहुत इज्जत करते हैं, मॉस्क बनवाते हैं, सिमिलरली गुरुद्वारे में भी बनवाते हैं, जितने भी वो होते हैं आपके सिख लोग। तो हमारा देश ये आज़ादी देता है कि अगर आपका मन है कहीं मंदिर बनवाने का तो आप बनवाओ, कोई आपको रोक नहीं सकता इस चीज़ से। आप अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हो, करो, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक रहा है तो राइट टू, ये क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, कोर्ट में जाओ, जेल पक्की उस बंदे को, आपको नहीं हो जाएगी यार, समझ रहे हो। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस मीन्स दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, अगर कोई इसको वायलेट करता है और मैं जाके कोर्ट के पास आता हूँ, तो कोर्ट मुझे ये नहीं बोल सकता कि भाई निकल जाओ यहाँ से, तो मैं हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, फिर तक फालतू टाइम नहीं है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ लिखी है
तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट को आपका केस लेना ही होगा. दिस इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. एंड विद दिस हमने चैप्टर कर लिया है समाप्त. आई होप आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब वीडियोस का वीडियो और बाकी भी अच्छी लगती होंगी ना. तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ठोक के, और अपने दोस्तों से भी कराना है, शेयर करना है यार, तभी तो मजा आएगा. खूब बड़ा चैनल बनाएंगे, मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ डालेंगे. आई होप आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा. सब्सक्राइब कर लो. और यस, अगर मुझसे कुछ डाउट पूछना है, नोट्स वोट्स चाहिए, तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो यार. वहां पे बड़ी मस्ती करते हैं अपन लोग, सब बात करते हैं मस्त. ठीक है, तो सी यू देयर. एंड आई होप टेक केयर अपनी और अपने घर वालों की भी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए. बाय बाय.